हेलो दोस्तों वेलकम टू स्लीपी क्लासेस हर बार की तरह ज्योग्राफी सीरीज घटना चक्कर में आपके लिए लेकर आई हूं तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या है आज के क्वेश्चंस और कैसा रहता है आपका स्कोर प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इन विच सिचुएशन लूनार एक्लिप्स आपकर्स ये एम पी पी सी एस प्री का नाइनटीन नाइनटी टू का क्वेश्चन है तो लूनार एक्लिप्स जैसे कि आप जानते हैं कि जब अर्थ आ जाता है मून और सन के बीच में तो लूनार एक्लिप्स आपके हिसाब से कौन सी सिचुएशन में होगा वेन यू कैन सी हाफ मून न्यू मून फुल मून या फिर नन ऑफ these। सोलर एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स दो तरह के एक्लिप्स होते हैं तो अगर हम एक्लिप्स की बात करें तो ये साल में टाइम्स पॉसिबल है होने का तो ये आकर होता है ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ फुल मून हाँ फुल मून इज दी करेक्ट आंसर तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि फिर से एम uh, से ही उठाया गया है तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हेली बॉप इज द नेम ऑफ ये एक uh, तब मीडिया हाइप टर्म हो सकती है और आज की डेट में भी अगर हम देखें तो ये क्या है बेसिकली कॉमिट रिटल स्टार ब्लैक होल या फिर एक टॉय तो इसका राइट right आंसर है इट इज़ अ कॉमेट तो बेसिकली आपको जैसे हैलीज कॉमेट ऐसे कुछ पॉपुलर जो नाम रहेंगे कॉमेट्स के उनके नाम आपको जो मीडिया में है या फिर वैसे ही जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उनके याद रखना बहुत ज़रूरी है तो कॉमेट क्या होता है जल्दी से टाइप करके बताइए कि आपको एस्ट्रॉयड कॉमेट और मीटरॉयड्स में फ़र्क पता है या नहीं वरना मैं आगे चल के कुछ और क्वेश्चन हम कर लेते हैं और तीनों का मैं फ़र्क आपको बता दूंगी चलिए अगला क्वेश्चन जो कि यूपीएस यूपीएससी प्रीलिम्स 1998 में आया था तो यहाँ पे आ चुका है आपका एस्ट्रॉइड्स का सवाल तो ये सवाल आपको काफी हद तक क्लियर कर देगा कि एस्ट्रॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं सो एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी डेबरीज ऑर्बिटिंग अराउंड सन मोस्ट ऑफ देम आर स्मॉल बट सम है लार्ज डायामी एज लार्ज एस वन थाउजेंड किलोमीटर्स ऑर्बिट ऑफ एस्ट्रॉयड लाइज बिटवीन जुपिटर एंड सेट्रन तो ये तीन स्टेटमेंट्स है इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है वो आप देख सकते हैं तो देखिए एस्ट्रॉयड्स जैसे कि इन्होंने कहा है तो बिल्कुल सही है दीज आर द रॉकी डेबरीज विच आर ऑर्बिटिंग अराउंड दी सन बिल्कुल प्लैनेट्स की तरह ये भी गैसेस के बने होते हैं लेकिन जैसे ही इनका डिस्टेंस सन से ज़्यादा होता है ये सन से दूर होते हैं तो वो गैसेस सॉलिडिफाई होती रहती हैं और ये भी एक पत्थर का रूप ले लेती हैं गैसेस ठीक है तो जो प्लैनेट्स की तरह सन के अराउंड रॉकी डेब्रीज घूम रहे होते हैं उनको हम कहते हैं एस्टोरॉइड्स और एस्टोरॉयड बेल्ट जो है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है जुपिटर और मार्स के बीच में नॉट तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है और ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं लेकिन एक हज़ार डाया तक भी बड़े हो सकते हैं तो वन एंड टू इज़ दी करेक्ट आंसर है चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका मीटेस के लिए सो वॉट आर मीटेस जैसे कि मैंने बोला था कि कॉमेट्स मीटेस और एस्ट्रॉइड्स में डिफरेंस क्या है ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये सारे क्वेश्चन करके तो इज इट ए फास्ट मूविंग स्टार ए पीस ऑफ मैटर विच इज एंटर एटमोस्फेयर फ्रॉम द आउटर स्पेस पार्ट ऑफ द स्टेलर सिस्टम या फिर इट इज कॉमेट तो क्या लग रहा है आपको राइट आंसर इट इज़ अ पीस ऑफ मैटर विच हैज एंटर दी अर्थ एटमोस्फियर फ्रॉम दी आउटर स्पेस सो दिस इज द राइट आंसर तो मीटेज भी गैशियस बॉडीज़ होते हैं लेकिन वो बॉडीज जो कि अब अर्थ के एटमोसफियर में आ चुकी हैं उनको हम मीटेर्स कहेंगे और अगर कुछ मीटेर्स अर्थ के एटमोस्फेयर को क्रॉस करते करते अर्थ के ऊपर आ जाती हैं तो हम उनको क्या कहते हैं मीटेरॉइड्स कुछ मीटेर ने बहुत बड़े बड़े खड्डे बना देती हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर आकर जैसे कि लोनार लेक एक एग्जाम्पल है रिजल्ट ऑफ़ फॉलिंग ऑन चलिए अगला क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड प्रीलिम्स 2002 से हमने लिया है व्हेन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज इक्वल सन रेज फॉल परपेंडिकुलर एट कुछ ऐसे दिन होते हैं कि जब सन की रेज दिन को और रात को मतलब इक्वल डे एंड नाइट तो इक्वल डे एंड नाइट का फिनोमिना आपको कहां पर देखने को मिल सकता है नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे इक्वेटोर पे या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो so, ये फिनोमिना आपको इक्वेटोर पे देखने को मिलेगा क्योंकि सिंस uh, अर्थ और सन की अगर हम पोजीशन चेक करें तो और जैसे कि 23 डिग्री टिल्टेड uh, है तो लेकिन इक्वेटोर पे उस इट गेट्स द डायरेक्ट सन रेज तो नॉर्थ और साउथर्न हेमिसफेयर uh, के डिपेंडिंगली जैसे कि अगर नॉर्थ में है तो गर्मियों में आपको बहुत बड़ा दिन दिखेगा और अगर आप नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिसफेयर में हैं तो सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं लेकिन इक्वेटर पे ऐसा नहीं होता वहाँ पे बराबर के आपको दिन और रात देखने को मिलेंगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दिस इज ऑल्सो नाउ निक्स एंड हाइड्रा ये कुछ वर्ड्स uh, हैं जैसे कि uh, पूछे हुए हैं पिछले कुछ पेपर्स में तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो ये अगर आपने नाम सुना हुआ है तो वेल एंड गुड अगर नहीं सुना तो हम देखते हैं कि व्हाट आर दीज तो इन्होंने कहा है कि निक्स एंड हाइड्रा ज्यादा मून्स ऑफ ठीक है ये दोनों मून्स हैं बट कौन से प्लानट के मून्स हैं प्लूटो जुपिटर मर्करी या फिर सैट्रन देखिए प्लूटो के पांच मून्स में से दो मून्स हैं निक्सन हाइड्रा और उसके ऊपर ये सवाल आया हुआ था तो इसका राइट आंसर है प्लूटो तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्लूटो इज़ नो लॉन्गर अ प्लानिट इट इज़ नाउ कंसिडर्ड एज अ डवाफ प्लानिट तो क्या कंडीशंस रहती हैं प्लानट होने के लिए उसका एक अपना पाथ होना चाहिए और उसके पाथ के आसपास कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए प्लूटो का वेल डिफाइंड पाथ नहीं था इसलिए नाउ इट इज अ अफ प्लानट ठीक है तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेलिवेंट फॉर प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स देखिए बहुत सारी नासा की डिस्कवरीज चल रही हैं देर आर प्रूफ्स ऑफ लाइफ ऑन मार्स बहुत सारे आ, वा, वा, साइंटिफिक एक्सप्लोर एक्सप्लोरेशंस ने भी ये कहा है कि हो सकता है कि मार्स पे दे कुड बी लाइफ बट कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि एग्जाम्पल देती हैं कि लाइफ हो सकती है मार्स में एटमोस्फेरिक कॉम्पोजिशन है थर्मल कंडीशंस हैं अक्रस ऑफ आइस कैप एंड फ्रोजन वाटर या फिर डी अक्रस ऑफ ओजोन तो कौन सा ऐसी एग्जाम्पल है जो ये कहती है कि देर कुड बी लाइफ ऑन दी मार्स देखिए आइस कैप और फ्रोजन वाटर से ये पता चला कि देर कुड बी वाटर देर इज वाटर प्रेजेंट ऑन इन एज सच दैट वॉटर कुड बी लाइफ ऑन मास चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मे हैव एलियन लाइफ बिकॉज ऑफ वेरी कंडक्टिव एनवायरमेंट टू लाइफ तो uh, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि इन्वायरमेंट कंडीशंस हैं तो uh, कौन से ऐसे uh, जितने भी हमारे पास ऑप्शन हैं जुपिटर मार्स जुपिटर्स मून यूरोपा या फिर मून जो कि अर्थ का मून है यहाँ पे कौन कौन से uh, ऐसे आपको लगते हैं कि दे कैन हैव एलियन लाइफ ठीक है जैसे कि डिस्कवरीज चली तो यूरोपा जुपिटर्स मून हैज़ कंडक्टिव इन्वायरमेंट सो देर आर प्रूफ्स Uh, कि वहां के इन्वायरमेंट कंडीशंस को अगर देखा जाए तो एलियन लाइफ को वो सपोर्ट कर सकता है एक मिशन आया था वो एजर नाम से जिसने इसके एग्जाम्पल के ऊपर पुख्ता सबूत दिए हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि रिंग्स जिनके साथ रिंग्स है ठीक है तो रिंग्स वाले प्लैनेट्स जल्दी से बताइए कौन कौन से हैं आपकी पूरी जो नॉलेज है स्कूल नॉलेज आज टेस्ट हो जाएगी तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि रिंग ऑफ जुपिटर इज कम्पोज ऑफ कि जो जुपिटर की रिंग है वो व्हाट इज द मटेरियल ऑफ विच इट इज मेड ऑफ यू पी पी का क्वेश्चन है सिलिकेट्स नॉन एग्जिस्टेंट वेरी थिक एंड ओपेक या फिर ऑल ऑफ द तो पूछा गया है कि सिलिकेट से बनी हुई है जुपिटर की रिंग्स होती भी हैं या नहीं बहुत थिक हैं, ओपेक हैं, या फिर सारी प्रॉपर्टीज हैं रिंग ऑफ जुपिटर में तो इसका करेक्ट आंसर है इट इज कंपोज ऑफ सिलिकेट्स। चलिए हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में लेटेस्ट uh, ही आप कह सकते हो तो देखिए यूनिवर्स और अर्थ प्लैनेट्स एंड प्लानिट ऑब्जेक्ट्स ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इनके ऊपर सवाल बनता ही बनता है एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा आप इस टॉपिक को तो so, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हैज़ रिवर्स्ड एवरी फ्यू हंड्रेड थाउजेंड ई ईयर्स एज यू ऑल नो दैट अर्थ हैज़ मैग्नेटिक फील्ड इट्स नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड और ऐसा बोला जाता है कि थोड़े फ्यू थाउजेंट ईयर्स के बाद वो अपनी जो मैग्नेटिक डायरेक्शन है बिल्कुल ही रिवर्स कर देता है सी देर इज़ रोटेशन ऑन दी अर्थ एंड कॉरलीस फोर्स का भी फिनोमिना अगर देखा जाए तो इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के ऊपर है और वो चेंज भी होती रहती है लेकिन बिल्कुल रिवर्स ये कितनी देर के बाद हो जाएगी थाउजेंट ईयर्स के बाद होती भी है या नहीं चलिए आइए देखते हैं ये सवाल पूछा गया है वेन अर्थ हैज क्रिएटेड मोर देन मिलियन अगो ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड ओके लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द एटमोसफियर ऑफ दी अर्थ तो ये तीन स्टेटमेंट्स है यहाँ पे आपने इसका उत्तर देना है जल्दी से कि क्या है करेक्ट आंसर बिल्कुल अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्यू हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स के बाद चेंज होती रही थी। ठीक है जैसे ही अर्थ क्रिएट हुआ था तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी थी तो ये गलत हो जाता है व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द एटमॉस्फेयर ऑफ दी अर्थ विच इज़ मोर लाइकली टू गेट मॉडिफाइड इन द कमिंग ईयर्स ऑल्सो एंड इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बिकॉज ऑफ द ओजोन होल एंड एवरी ठीक है तो यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर्स हैं बी वन एंड थ्री तो देखिए ये पूरा जो हमने टॉपिक किया है अगर आपको और डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो एन सीरीज़ हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है जोग्राफ़ी के ऊपर तो आप उनको वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं अगले सेशन में प्लीज़ डू कम जैसे कि आपको पता होगा कि इंडियन प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं टाइम के ऊपर तो हम वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो अगली क्लास में रिवाइज़ करेंगे थैंक यू थैंक यू फॉर बीइंग विद अस थैंक यू फॉर वाचिंग स्लीपी क्लासेस इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि सी यू ई टी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की, की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं वो अब फ्री ऑफ कॉस्ट वो तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ स्लीपी क्लासेस के गवर्नमेंट जॉब्स चैनल पे जो कि 4 पी से शुरू हो चुका है ऑलरेडी तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर बींग विद आस